हेलो एवरीवन, राम राम आप सभी को। हमारे चैनल पे स्वागत है आप सभी का, जिसका नाम है कटारिया फैमिली। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने लेकर के आए हैं एक बहुत ही ऑसम सी रेसिपी, जो कि है द रेड सॉस पास्ता। पास्ता सुन के जनरली लोग सोचते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा रेसिपी होगा, बट ऐसा है नहीं। इट्स अ रियली सिंपल रेसिपी जिसे आज हम एकदम कल्चरल मेथड से बनाने वाले हैं हमारे चूल्हे पे, जो अभी अभी जला दिया गया है, मस्त गर्म हो गया है। और इसकी रेसिपी हम जो है आपको बहुत ही डिटेल तरीके से और इजी तरीके से बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और जानिए इसकी रेसिपी और बनाइए आप सभी भी अपने घर में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करते हैं, बट उससे पहले भी ये जरूरी है कि सारे इंग्रेडिएंट्स को हम रेडी कर लें। और इंग्रेडिएंट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी वेजीज, जो हम इसके अंदर डालने वाले हैं। वेजिटेबल्स ऐड करने से हम पास्ता को और ज्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वेजेस जो मैंने सेलेक्ट की है उन्हें कट कर लेते हैं, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप चाहे तो अपने और मनपसंद वेजेस को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट चॉप देम जितना जल्दी हो सके। प्याज को दोस्तों हमारे पास्ता में बहुत ज्यादा बारीक नहीं काटना है। वी हैव टू जस्ट मतलब चॉप इट लिटिल रफ, इसी तरीके से बस इतने ही पीसेस हमें काटने हैं। तो गाजर को अभी थोड़ा लंबा लंबा हम चॉप कर लेंगे। दो टमेटोज लिए हैं, मैं वैसे दो मीडियम साइज टमेटो लेने वाली थी, बट मैंने पास में एक टमेटो छोटा था एक बड़ा था, तो आई जस्ट टुक इट इन कॉम्बिनेशन। इसे भी थोड़ा इस तरीके से चॉप कर लेंगे। हमारी चॉपिंग हो गई है सारे वेजेस की। और ये कॉर्न है जिसे मैंने बॉईल कर लिया है, तो ये सारी वेजेस मैं ऐड करने वाली हूँ। तो सब्जियां सारी चॉप करने के बाद में हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है हमें पास्ता को बॉईल करना है। बॉईल करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इसे सिर्फ 80% बॉईल करना है, पूरा बॉईल नहीं करना है। बाद में जब हम इसे सारे मसालों के साथ पकाने वाले हैं, उस वक्त वो बाकी का कंप्लीट मतलब कुक हो जाएगा। तो हम लेने वाले हैं कुछ एक क्वांटिटी ऑफ पास्ता। दोस्तों ये अराउंड मैंने 2 कप्स ले लिया है, एग्जैक्ट मेजर नहीं किया है, बट आई होप ये 2 कप्स के अराउंड ही होना चाहिए। और सबसे पहले ये मैंने रख दिया है अपना वेसल चूल्हे के ऊपर। अभी इस गर्म पानी में जो कि बॉयल नहीं हुआ है, बट इस पानी के अंदर हम ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा सॉल्ट। अराउंड 2 चम्मच ऑयल। ये ऑयल बहुत जरूरी है ऐड करना, वरना आपके पास्ता जब कुक हो रहे होंगे वो चिपक सकते हैं बॉईल होते वक्त, तो वो ज्यादा चिपके ना और वो अलग रहे और अच्छे से कुक हो, इसके लिए हमें थोड़ा सा ऑयल और ये सॉल्ट ऐड करना जरूरी है। अब पानी ठंडा नहीं है, थोड़ा गर्म है, तो ये दिस इज द राइट स्टेज जब मुझे अपना पास्ता ऐड करना है। काफी देर तक ये बॉईल हो गया है, अराउंड 5 to 7 मिनट्स। और इसका एक पास्ता निकाल के हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैंने बोल में ये ठंडा पानी ले लिया है, क्योंकि काफी गर्म होता है, एकदम से निकाल के हम नहीं चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप निकाल के ठंडा करके इसे इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी आराम से पता चल रहा है कि ये काफी हद तक कुक हो गया, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 80% कुक। तो यहाँ से हम इसका आगे का स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसे नीचे उतार लेते हैं और इसका ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा पास्ता जो है बॉईल होकर के आ गया है, इट्स 80 to 90% ऑलरेडी कुक। वाह, क्या बोल रहे। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि मैं जो पास्ता पिक करके लाती हूँ मार्केट से, इट इज नॉट मेड आउट ऑफ मैदा, ये व्हीट पास्ता है। आप भी अगर जाके पास्ता पिक कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तो प्लीज ध्यान रखिए कि मैदा मेड पास्ता नहीं पिक कीजिए, उसमें जो व्हीट मेड पास्ता होते हैं वो आप पिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रेवी।
ग्रेवी के लिए हमने ले लिया है हमारा कढ़ाई और ये गया हमारे चूल्हे पे। तो दोस्तों जैसे कि हमारा पास्ता अभी बॉईल हो गया था, यहीं पे हमें इसे मैरिनेट करके रखना है ऑरिगैनो चिली फ्लेक्स से। ये कुछ सीजनिंग्स हैं जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी, ये पास्ता सीजनिंग्स या फिर पिज्जा सीजनिंग के नाम से भी मिल जाती है। ये एक्चुअली काफी हेल्दी होती है, आई टेल यू। ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं, थाइम, बेसिल्स और इस तरीके के कुछ मिक्स्ड हर्ब्स हैं जिनसे ये बना होता है। काफी अच्छा फ्लेवर देता है आपके पास्ता में। ये एकदम करेक्ट स्टेज है कि आपको यहाँ पे अपना मिक्स्ड हर्ब्स ऐड कर लेना है और यहीं पे डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। ये मैंने घर पे बनाया हुआ कुछ चिली फ्लेक्स रखा है। सो दिस इज द राइट वे, आप अपने सारे हर्ब्स को मिला दीजिए और इसे ढक करके रख दीजिए। A few moments later. दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जो बेसिक रेड सॉस है। सबसे पहले हम डालने वाले हैं थोड़ा सा ऑयल। कढ़ाई काफी गर्म हो गई है। इसमें हम डालने वाले हैं हमारा गार्लिक। गार्लिक से काफी अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है पास्ता में। This is the right time जब आप अपने अनियन और थोड़ी सी चिली और डाइस किए हुए आपकी कैरेट। वेजेस हमारी हाफ कुक हो गई हैं, इसी टाइम पे हम ऐड कर देंगे हमारे बटर को और बटर के बाद हमारे कॉर्न्स जो हमने पहले से बॉईल कर लिए हैं। कॉर्न पहले से बॉइल्ड है इसलिए उनको हमने लास्ट में ऐड किया है और इसी के साथ थोड़ा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हमने बटर को ऐड किया है। तो दोस्तों यहाँ पे वेजेस हमारी कुक हो गई है और हमने इसमें बटर और कॉर्न भी ऐड कर दिया है। सभी चीजें आपस में काफी अच्छे से मिक्सअप हो चुके हैं और कुक हो चुके हैं। ये राइट स्टेज है कि अभी आप इसमें, क्योंकि ये रेड सॉस पास्ता है, इसमें थोड़ा टैंगी फ्लेवर होता है, टोमेटो फ्लेवर होता है, इसीलिए हम थोड़ा सा नेचुरल ये टोमेटो ऐड करने वाले हैं। इसी के साथ में ऐड करने वाले हैं हमारे मसाले और मसाले हमें ध्यान रखना है सिर्फ दो चीज़ें जो हमें इसे ऐड करनी है वो है नमक और ब्लैक पेपर। तो ये हम ऐड कर रहे हैं इसमें नमक। ध्यान दीजिए नमक आपने ऑलरेडी पास्ता में ऐड किया था उसे बॉईल करते वक्त, तो अकॉर्डिंगली ही आप अपना नमक इसमें ऐड करें। ये है ब्लैक पेपर। हमने कहीं पे भी इसमें लाल मिर्च जो चिली फ्लेक्स के अलावा यूज नहीं की, कहीं पे भी हमने इसमें ज्यादा ग्रीन चिलीज यूज नहीं की, तो दैट वे आप अकॉर्डिंगली अपना ब्लैक पेपर एडजस्ट कर सकते हैं। शुरू में कमी रखिए, अगर जरूरत पड़ती है तो लेटर ऑन यू कैन ऐड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं, सारी सब्जियां पक गई हैं और ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है जब आपको अपना टोमेटो कैचअप यहाँ पे ऐड करना है। टोमेटो कैचअप मैं बोलूंगी कि ऑप्शनल, आप चाहें तो कर सकते हैं, बट अगर आप ऐड करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर देता है। यहाँ पे हम एक गुड क्वांटिटी केचप ऐड कर देंगे। दैट्स इट। ध्यान रखिए पास्ता में हमारा टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सचर बटर के साथ थोड़ा सा क्रीमी और ये केचप के साथ थोड़ा सॉसी हो जाता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर पास्ता के साथ होंगे तभी हमारा पास्ता बहुत टेस्टी लगेगा, अदरवाइज वो ड्राई पास्ता कभी भी एक अच्छा टेस्ट आपको नहीं देगा। तो दोस्तों ये है हमारा पास्ता जिसे हमने ऑलरेडी मिक्स्ड हर्ब्स और चिली फ्लेक्स के साथ में ऐड करके रखा था। ये करेक्ट टाइम है जब हम इसको हमारे सॉस के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो ऐड करते हैं अभी। ये देखिए हमारे पास्ता आपस में चिपके बिल्कुल नहीं हैं। और आप इसे धीरे धीरे मिला लीजिए
ये 90% कुक्ड है, तो बाकी की जो इसकी कंप्लीट कुकिंग है वो यहाँ हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया है हमारा पास्ता, इसे करेक्ट टाइम पे उतार लीजिए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो दोस्तों यहीं पे हमारा रेड सॉस पास्ता का रेसिपी खत्म होता है। ये हमारा पास्ता बनकर के तैयार हो गया है। आप देखिए इसे करीब से किस तरीके से इसके अंदर ये फ्लेवर्स हैं, काफी स्मूथी इसके अंदर अभी ये फील है, क्योंकि ये चूल्हे पे बना है तो एकदम वो तंदूरी टच है। और इसे सर्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये बना है। तो चूल्हे पे बनाया तो कुछ आया, कुछ अलग स्वाद, अच्छा है, अलग फ्लेवर, बहुत मस्त, मिर्च सब परफेक्ट, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। तो थोड़ी टैंगीनेस के साथ में और बहुत सारे वेजीज के न्यूट्रिशन के साथ में हमने बनाया हमारा ये व्हीट पास्ता हमारे चूल्हे पे। दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताइए कि हमारी ये कोशिश आप सबको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो ऐसी ही और सारी रेसिपीज के साथ हम दोबारा आएंगे आपकी तरफ, आपके पास में। और आप बताइए कि ये रेसिपीज आपको कैसी लगी और इसे ट्राई कीजिए अपने घर पे जरूर। ज्यादा से ज्यादा वेजेस आप ऐड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इन्हें एडिट कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, पर किसी भी हालत में इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। और बने रहिए हमारे साथ ऐसी और कई वीडियोज के लिए, ऐसी और कई बेहतरीन रेसिपीज के लिए। और तब तक के लिए बाय बाय।